तो फाइनली गाइस Xiaomi की तरफ से आज फिर से हमारे लिए कुछ ना कुछ न्यूज़ आ चुका है और काफ़ी अच्छा न्यूज़ आया है Xiaomi की तरफ से। एंड यहाँ पे कुछ अपडेट्स भी आए हैं फ़ोन के लिए जो कि है थर्ड बैच के अंदर, एंड उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो चले यार देरी किस बात की है, वीडियो को कर लेते हैं शुरू। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता है यहाँ पे Xiaomi ने यार अपडेट देना शुरू कर दिया है। एंड यहाँ पे जो स्तंभर है, स्तंभर के लास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा डिवाइस के अंदर अपडेट देखने को मिलेंगी, एंड मिल भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड यार यहाँ पे एक नया न्यूज़ ये निकल के आया कि MIUI 13 जो आने वाला है आने वाले समय में, मतलब बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे MIUI 13 मिलने वाला है, लेकिन उसके अंदर आपको कुछ नए फीचर्स मिलने वाले हैं जिसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे वायरल हो चुका है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे स्क्रीन पैनल विद डायनमिक डिवाइस कंट्रोल ग्राफिक्स इंटरफेयर यहाँ पे रिलीज किया गया है, जो कि यार आपको दिखा सकते हैं कि मतलब आप जब फोन को बंद करते हो तो कैसा इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो, ये एकदम ऑफिशियल है जो कि MIUI 13 के अंदर ही आपको फीचर मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे Xiaomi ने नए डिवाइस का अनाउंसमेंट कर दिया जो कि बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है 22 सितंबर को इंडिया के अंदर, जिसका नाम है Poco X3। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के अंदर ये फोन डिवाइस लॉन्च होने वाला है, लेकिन इसका अभी तक प्राइस नहीं पता है कितना प्राइस होगा। फिलहाल इसके स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो क्या इसके अंदर मिलने वाला है, क्या कुछ नहीं। फिलहाल इसके बारे में कुछ और भी न्यूज मेरे पास आई हैं। गाइज यहाँ पे आप लोगों के काफी कमेंट है कि Redmi Note 7 Pro के अंदर जो इंडियन के लिए MIUI 12.0.1.0 का रिलीज किया गया है वो अभी तक हमारे डिवाइस के अंदर नहीं मिला है बल्कि दूसरों को मिल चुका है, ऐसा क्यों? तो भाई मैं आपको बताऊं कि ये अपडेट अभी पार्शियल है, आप इसे रिकवरी ही इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब रिकवरी से इंस्टॉल कर सकते हो, अभी तक आपके अपडेटेड ऐप में ये अपडेट नहीं आया है। तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा करीब 10 दिन या फिर 7 दिन के अंदर अंदर आपके डिवाइस के अंदर अपडेट आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ डिवाइसेस को अपडेट मिलना चालू है, जैसे कि Redmi 9 को यहाँ पे यूरोपियन स्टेबल के अंदर MIUI 11 का अपडेट मिला है जो कि OTA अप्लाई हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे Redmi 6 को भी अपडेट मिलना चालू हो चुका है रशियन वर्जन के अंदर जो है MIUI 11 का, इसके लिए अभी तक MIUI 12 नहीं आया है। उसके अलावा यहाँ पे Mi 10 Youth Edition को चाइना के अंदर अपडेट मिला है जो है MIUI 12 का पार्शियल अपडेट। उसके अलावा यहाँ पे Mi 10 Pro को भी चाइना के अंदर एक नया अपडेट मिला है जो है MIUI 12 का। फिलहाल देखो आज की वीडियो में इतना, यार कुछ खास न्यूज़ नहीं आया इंडिया के लिए, लेकिन अगर आता है तो आपके लिए बहुत ही वीडियो लाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना यार, मिलता हूँ अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।